Today we'll be talking about another important agenda in speech language therapy, and that is called dysphagia. Dysphagia, in other terms, is a swallowing disorder or swallowing inability. So baz aukaat swallowing kam ho jati hai, baz aukaat swallowing effective nahi rehti, baz aukaat swallowing jo hai वो ऐसी conditions arise करती है जिसके अंदर aspiration के chances जो है वो बढ़ते चले जाते हैं. If you remember aspiration क्या थी, एस्पिरेशन थी कि लंग्स की तरफ किसी चीज का चले जाना, चाहे वो फूड पार्टिकल्स हैं, चाहे वो लिक्विड्स हैं, व्हाटएवर. तो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन और ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी बन सकती है. इसके नतीजे में सीवियर निमोनिया हो सकता है, जो कि एक अल्टीमेट चीज है, बुखार हो सकता है. और इन अगर ये कॉन्टिन्यूस रहे तो उसके नतीजे में ऑफकोर्स आपकी डाइट्री नीड्स जो है वो मीट नहीं होंगी, इनसफिशेंसी होगी, और नतीजतन आप जो है वो वाइटैलिटी ऑफ लाइफ जो है वो उसको लूज करते चले जाएंगे. तो डिस्फेजिया, जैसे कि नाम से जाहिर है, मैंने आपको बताया, हमारी आज की प्रेजेंटेशन में हम इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि डिस्फेजिया क्या है, डिस्फेजिया को क्लासिफाई कैसे करना है. रिमेंबर, हमने पहले भी क्लासिफिकेशन की थी बहुत सारी चीज़ों की, हेयरिंग की थी हमने, मेंटल रिटार्डेशन की थी, और बहुत सारी विजुअल लॉस की क्लासिफिकेशन की थी. तो यहाँ डिस्फेजिया की क्लासिफिकेशन के बारे में भी सीखेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, किसी खास कैटेगरी ऑफ डिस्फेजिया को कैसे क्लासिफाई करना है, आइडेंटिफाई कैसे करना है, और ट्रीटमेंट ऑप्शन उसके अंदर क्या क्या होती हैं. सो दीज आर द एरियाज दैट वील बी लुकिंग टू एड्रेस टूडे, और आई एम होपफुल कि आप मेरे साथ पूरी अलर्टनेस के साथ शामिल रहेंगे, सो दैट वी आर एबल टू जस्टिफाई टूडेज एफर्ट. So dysphagia, it is an impairment in the ability to swallow because of neurological or structural problems that alter the normal swallowing process. Normal swallowing process tha kya? Let's talk about it first. Normal swallowing process ye tha ke jab food jo hai wo oral cavity ke andar place kiya jata hai, to us placement ke baad ek process start hota hai jisko ke aap chewing kehte hain. च्यूंग के दौरान एक बड़े फूड के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिसलॉज किया जाता है, अलग-अलग किया जाता है, और जो आपकी ओरल कैविटी के अंदर स्लाइवा प्रोड्यूस हो रहा है, ये स्लाइवा उसको लुब्रिकेट करता है, और वो लुब्रिकेट इस तरीके से करता है कि वो एक बोलस की फॉर्म अख्तियार कर लेता है, एक छोटा सा एक बॉल सा बन जाता है आपकी राइट ऑन द मिडल ऑफ द टंग. उसके बाद होता यह है कि आप अपनी टंग को, अपनी जबान को रेज करते हैं, आगे से रेज करना शुरू करते हैं, और ऊपर वो जबान रेज होती जाती है, और फूड जो है पीछे की तरफ फेरिंग्स की तरफ पुश होता चला जाता है. जब फूड फेरिंग्स के पास जाता है तो उसके पास दो ऑप्शंस मौजूद थी, या तो वो लैरिंग्स की तरफ जा सकता था, और या फिर वो आपके फूड पाइप की तरफ जा सकता था. सो यहाँ पर नेचर ने आपके लिए प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म रखा हुआ था कि लैरिंग्स अपनी जगह बदला लेता था, वो अपनी जगह से थोड़ा सा ऊंचा हो जाता था, और उसके इस ऊंचा होने की वजह से एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म आपके लिए जो है वो नेचर जो है वो प्रोवाइड करती है, जिसके नतीजे में फूड जो है वो सीधा फूड पाइप के अंदर चला जाता है. तो ये तो हो गई नॉर्मल स्वॉल्विंग, यानी कि जो भी फूड है उसको आपके जो है स्टमक तक पहुंचाना, जीआईटी तक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक तक पहुंचाना, ये एजेंडा था स्वॉल्विंग का. लेकिन बाज औकात ये स्वॉल्विंग कंप्रोमाइज हो जाती है, आप बोलस नहीं बना पाते, आप फूड को च्यू नहीं कर पाते, आपका स्लाइवा प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया, आप जबान को प्रॉपरली स्ट्रेंथ के साथ रेज नहीं कर सकते, फूड जो है वो आगे जाने के बजाय स्टक हो जाता है फेरिंग्स में ड्यू टू सम ग्रोथ, कोई वहाँ पर जैसे एडिनोइड्स हैं या कोई और ऐसी फेरिंजियल की कंडीशन है, फेरिंजियल कैविटी की, जो कि उस फूड को एक नेचुरल फ्लो के साथ नीचे नहीं जाने देती. उसके अलावा आप अपने लैरिंग्स को रेज नहीं कर पाते, उसके अलावा इसोफेगस की जो ओपनिंग है वो ओपन नहीं होती, वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करती, लिहाजा फूड जो है वो नीचे की तरफ ट्रेवल नहीं करता. पेरिस्टाल्टिक वेव, अगर आपको याद हो तो आपका इसोफेगस जो है इसके अंदर कुछ वेव्स प्रोड्यूस होती हैं जो कि फूड पार्टिकल्स को नीचे स्टमक की तरफ ले जाती हैं, दीज आर कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक वेव्स. तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स की कमी हो जाना, उनका इतना ज़्यादा इफेक्टिव ना रहना, उनके अंदर स्ट्रेंथ का कम हो जाना, ये सारे फैक्टर्स ऐसे हैं कि जो फूड को स्टमक में जाने से रोकेंगे. फिर फूड स्टमक में पहुंच जाता है, यहाँ पर पता है आपको फूड का सारा डाइजेशन का प्रोसेस, फॉर्मल डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और इस डाइजेशन के दौरान फूड जो है वो फर्दर एक ऐसी कंसिस्टेंसी इख्तियार कर लेगा कि वो ईजिली आपके इंटेस्टाइन के अंदर
मूव आउट कर जाएगा। तो वो फूड जो आपके ओरल कैविटी से आपने आपने इंसर्ट किया था अपनी ओरल कैविटी में, इट ट्रेवल्स डाउन टू द इंटेस्टाइन, और ये सारे का सारा प्रोसेस को अगर हम समझें तो ये एक स्वॉल्विंग का एक प्रॉपर एक आउटले था। लेकिन बाज औकात होता ऐसे है कि इम्पेयरमेंट्स वाकया हो जाती है किसी भी जगह पर। फॉर एग्जाम्पल आपके टंग की स्लाइवा प्रोडक्शन कम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपके टंग की मूवमेंट्स की जो है वो कम हो गई है, फॉर एग्जाम्पल आपका लैरिंग्स रेज प्रॉपरली नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल आपकी जो इसोफेगस है उसकी जो ऊपर ओपनिंग उसको कहते हैं अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर, वो प्रॉपरली मूव नहीं करता, खुलता नहीं है। तो जब वो खुलता नहीं है तो फूड इंटेक तो इसोफेगस के अंदर नहीं जाएगा, पेरिस्टाल्टिक वेव की कमी हो सकती है। आपकी जो फूड पाइप है, फूड पाइप के अंदर ही को आउटग्रोथ निकल सकती हैं जिसकी वजह से फूड एक नॉर्मल फ्लो के साथ नीचे नहीं जा सकता। स्टमक की ओपनिंग मुतासर हो सकती है, स्टमक के कॉन्टेंट्स एसिडिक कॉन्टेंट उसके अंदर ज्यादा हो तब भी वो इश्यूज आपके लिए क्रिएट करेगा। लिहाजा इन तमाम सिचुएशंस को अगर समझा जाए तो उसके नतीजे में आपको ये जो लफ्स है डिस्फेजिया का या सॉल्विंग इश्यूज का, ये आपको समझ आ जाना चाहिए। इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जहाँ पर न्यूरोलॉजिकल रीजंस हैं वहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स भी हैं। अमूमन तो इसका ताल्लुक नर्वस सिस्टम के साथ है कि नर्वस सिस्टम के अंदर कोई ऐसी कंडीशन अराइज हो गई थी जिसकी वजह से आप अपने मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स हैं या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, कोई चेंजेस आ गई हैं स्ट्रक्चर के अंदर, कोई आउटग्रोथ्स निकल आई हैं रास्ते में, फूड ट्रैवल नहीं कर पा रहा। और बिल्कुल इसी तरीके से ये चीज़ साइकोलॉजिकल भी हो सकती है। जस्ट इमेजिन इफ यू आर अंडर सर्टेन ट्रॉमा, आप स्वॉलो नहीं कर पाते, आप किसी स्ट्रेस में हैं, आप किसी गुस्से में हैं, आप किसी प्रेशर में हैं, तो उस वक्त आपका खाना पीना जो है स्वॉलविंग जो है वो बहुत बुरी तरह मुतासर होती है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। और उसमें एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीजन है वो है मेंटल स्टेट, और मेंटल स्टेट की वजह से आप उस चीज़ को स्वॉलो नहीं कर पाते। जस्ट इमेजिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम खाने में नापसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बासी खाना, आप फॉर एग्जाम्पल वो बासी पड़ा हुआ था, किसी ने एक रोस्ट रखा हुआ था 15-20 दिन का, और उसने कहा जी खाओ जी आप, तो जब आप उसको खाने की कोशिश, पहले बात तो आप उसको ओरल कैविटी में डाल लेंगे नहीं, अगर आप डाल लेंगे और ज़बरदस्ती होगी तो फिर वो आगे आपसे निकला नहीं जाएगा। सो दैट मीन्स कि आपकी साइकोलॉजिकल वेल बीइंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपका अलर्टनेस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस कदर होश में हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और सुनिए, एक पेशेंट है बेड रिडन है, उसको आप जब स्वॉलो करने के लिए कुछ देते हैं तो वो उसको चोक हो जाता है। अब उसके चोक होने की वजह ये नहीं थी कि कोई और इश्यूज थे उसके अंदर, एक इशू जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था वो था उसका अलर्टनेस लेवल, ही वॉज नॉट फुली कॉन्शियस। तो स्वॉलविंग के लिए कॉन्शियस भी होना चाहिए। देखो जब हम बातें करते करते खा रहे होते तो मुंह में हमें चोक हो जाता है, इसलिए कि हमारा ध्यान जो था वो किसी और तरफ था, हम बातों में लगे हुए थे, एंड वी वर नॉट प्रैक्टिसिंग द रेगुलर फिजियोलॉजी जो कि स्वॉलविंग के अंदर हेल्प करती है। लिहाजा ये बहुत सारे और बहुत खूबसूरत सब्जेक्ट एजेंडा है हमारा डिस्पेजिया का, जिसको कि हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। आशा अमेरिकन स्पीच एंड हेयरिंग एसोसिएशन एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ प्रैक्टिस फॉर स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट टू इंक्लूड स्वॉलविंग डिसऑर्डर इन लेट 80s। 80s के दौरान आशा ने अमेरिकन स्पीच एंड हेयरिंग एसोसिएशन ने डिस्पेजिया की जो डोमेन है वो स्पीच थेरेपिस्ट के हवाले कर दी। और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि आपकी स्वॉल्विंग के अंदर जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल हो रहा है वो एग्जैक्टली वही ऑपरेटर्स है जो कि आपकी स्पीच के अंदर इस्तेमाल होता है। तो एक स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो इस फिजियोलॉजी को, इस एनाटॉमी को इतने अच्छे तरीके से समझता है कि वो स्वॉल्विंग के अंदर भी बहुत अच्छा असिस्ट कर सकता है। तो ये इसके पीछे एक रीज़न था कि आशा ने स्वॉल्विंग डिसऑर्डर्स को हमारी डोमेन के अंदर, थेरेपिस्ट की डोमेन के अंदर डाल दिया। डिस्फेजिया इंटरवेंशन नाउ मेक्स अप 50% ऑफ SLP केस लोड, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। SLPs के जो ज्यादातर केसेस हैं वो डिस्फेजिया से रिलेटेड हो गए, तो 50% इट्स अ लॉट बिग नंबर। और जो मैं कल आपसे जिक्र कर रहा था कि इसकी वजह से आपकी स्कोप और सर्विस कितनी बढ़ गई है, हॉस्पिटल्स में आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, नर्सिंग होम्स के अंदर, ओल्ड होम्स के अंदर, इसी तरीके से अक्यूट केयर सिचुएशन के अंदर, इवन यहाँ तक के पीडियाट्रिक्स में जो छोटे बच्चे जो के प्री मेच्योर पैदा होते हैं उनके अंदर बहुत सारे स्वॉल्विंग के इश्यूज हुआ करते हैं। और ये स्वॉल्विंग के ये इश्यूज में इंटरवीन करने के लिए हमें एज प्रोफेशनल्स अपना रोल जो है वो अदा करना है। बिफोर आई मूव फॉरवर्ड आई हैव गॉट अ केस हिस्ट्री जो कि आपको समझने में मदद देगी
कि डिस्फेजिया क्या है और हम इसको कैसे समझें। फॉर एग्जाम्पल ये सिल्विया के बारे में है, शी इज 78 ईयर्स ओल्ड, अल्जाइमर्स डिमेंशिया, लिविंग इन अ नर्सिंग होम, नीड्स मिनिमल टू मॉडरेट असिस्टेंट वाइल ईटिंग। सो एज, जिन चीजों का आपने गौर करना है, एज देखें कितनी है, 78। डायग्नोसिस हुआ हुआ है, जी हाँ डायग्नोसिस भी अल्जाइमर्स का। कहाँ रहती है, नर्सिंग होम में रहती है। नर्सिंग होम से मुराद ये है कि ओल्ड केयर होम के अंदर वो रहती है, लेकिन अभी इसको कोई ना कोई मदद चाहिए खाने के दौरान, यानी ये इंडिपेंडेंटली नहीं खा सकती, समबडी हैज टू हेल्प हर विद द फूड, चाहे वो टेबल पे रखने तक की हद है, चाहे उसके मुंह में डालने की हद है, या चाहे उसके लिए फूड को मॉडिफाई करने की हद है, ये इसकी जरूरत है जिसके ऊपर सिल्विया को हेल्प आउट की जा रही है। लेटली हैजंट बीन फिनिशिंग मील, और जो कंप्लेंट आई, जो प्रॉब्लम आया, कैसे पता चला कि इसको ये प्रॉब्लम आ रही है, कि ये अपना खाना पूरा नहीं खत्म करती थी, और जब ये खा लेती थी और ये बोलती तो इसकी आवाज में एक गर्गल होता था, गर्गल गरगरे की आवाज होती थी, और पिछले कुछ अरसे से इसको खांसी बहुत ज्यादा है जब ये खाना खाती है। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें अभी से आप नोट करना शुरू कर दें, इंडिकेटर्स, इंडिकेटर एज एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। अब अल्जाइमर क्या चीज थी, डिमेंशिया क्या था, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन थी। ऑन टॉप शी इज लिविंग इन अ नर्सिंग होम, यानी कि घर का माहौल नहीं है इसके पास, नर्सिंग होम के अंदर है, सुपरविजन के अंदर है, और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेंट है जो कि हमें रोजमर्रा जिंदगी में भी नजर आती है अपने बड़े बूढ़ों के साथ, कि उनका खाना जो है वो कम हो जाता है और खांसी उनकी बढ़ना शुरू हो जाती है। उसके अलावा बुखार के एपिसोड हो सकते हैं, और खाने से बेरगबती हो जाती है और खाने को उनका दिल नहीं करता, खाना बिकम्स एन एक्सरसाइज फॉर देम, उनके लिए बहुत अच्छा प्लेजेंट एक्सपीरियंस नहीं रहता। तो सिल्विया के साथ भी कुछ ऐसा ही था। इस सिल्विया का जो थेरेपिस्ट पैथोलॉजिस्ट है वो ये समझता है कि शायद इसको फेरिंजियल स्टेज स्वॉल्विंग का प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर एक नया लफ्ज आ गया, फेरिंजियल स्टेज स्वॉल्विंग, तो लेट्स लर्न इट हेयर, कि इसका मतलब ये है कि स्वॉल्विंग की बहुत सारी स्टेजेस होंगी, और उनमें से एक स्टेज जिसका नाम फेरिंजियल स्टेज है, सिल्विया को वो प्रॉब्लम है। तो SLP जो था उसने ये गेस किया कि अच्छा इसको फ्रिंजल प्रॉब्लम हो सकता है, एंड वांट्स अ फर्दर इंस्ट्रूमेंट्स एट लोकल हॉस्पिटल। और खाली वो इसको सस्पेक्ट नहीं थी कर रही फ्रिंजल प्रॉब्लम को, बल्कि अपनी इस सस्पेक्ट को कंफर्म करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए वो चाहती है कि इसकी कोई इंस्ट्रूमेंटल एवेल्युएशन भी की जाए। यहाँ पर एक और चीज इसी स्लाइड में हमें पता चल गई कि स्वॉल्विंग डिसऑर्डर्स का ताल्लुक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ है, एजिंग भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, इंडिकेटर्स में फिनिशिंग मील्स हैं, नॉट फिनिशिंग मील्स है, आवाज़ के अंदर गर्गल है, क्वालिटी मील टाइम का ना होना है, टेंट्रम्स होना, और ये सारे के सारे इसके इंडिकेटर्स हो गए। और SLP के पास क्या चॉइस है कि वो न सिर्फ ये कि फिजिकल ऑब्जर्वेशन कर सकता है, बल्कि इसकी इंस्ट्रूमेंटल एवेल्युएशन भी कर सकता है। और ये इंस्ट्रूमेंटल एवेल्युएशन बेटे आप लोगों ने याद रखनी है कि दिस इज गोइंग टू हैपन इन अ हॉस्पिटल अंडर सुपरविजन, ठीक है। और हॉस्पिटल के अंदर बेसिकली कौन सी सेक्शन, रेडियोलॉजी सेक्शन। सो रेडियोलॉजी में जाके हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा पेशेंट को किस किस्म की सॉल्विंग है। अब ये किस किस्म की स्वॉल्विंग, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसके केस में स्पीच थेरेपिस्ट ने ये गेस किया था कि इसको फेरिंजियल का प्रॉब्लम है, फेरिंजियल स्टेज स्वॉल्विंग का प्रॉब्लम है, तो चाहे वो फेरिंजियल हो, चाहे वो ओरल हो, चाहे वो एसोफेजियल प्रॉब्लम्स हो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो हैं ये मुख्तलिफ वेरिएशन हैं डिस्फेजिया की, जिसके बारे में हम इन स्लाइड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ओके, Transporting Sylvia to the local hospital for instrumental examination is costly. How can cost be justified? सवाल अब ये पूछा जा रहा है हमसे कि सिल्विया को ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने में, यानी कि अगर हम उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करना चाहते हैं तो काफी कॉस्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर, लेकिन फिर भी स्पीच थेरेपिस्ट उसको कहेगा नहीं जी इसको लेके जाओ, इसको जरूर हॉस्पिटल लेके जाए, इंस्ट्रूमेंटल एवेल्युएशन जरूर कराएं। इसको जस्टिफाई कैसे करें, वो इसकी सिंपल सी जस्टिफिकेशन है, अगर आपने ये न किया शी इज गोइंग टू सफर दैट न्यूट्रिशनल इनसफिशेंसी हो जाएगी उसके अंदर, उसको नमोनिया हो सकता है, नमोनिया इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, सो व्हाई शुड वी वेट फॉर नमोनिया। नजर जो आ रहा है कि खांसी है, बुखार है, फूड छोड़ रही है, पूरा खा नहीं रही, लिहाजा शी इज ऑफ सच अ काइंड कि हमें इसके लिए, अगर इसको कॉस्ट इन्वॉल्व है भी सही, फिर भी ये काम हमें करना है। हाउ माइट रिलायंस ऑन अदर्स फॉर असिस्टेंस विद फीडिंग इन्फ्लुएंस
न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड हाइड्रेशन। दूसरी जो चीज़ है कि क्या दूसरों पर कितना आप उनकी असिस्टेंट ले सकते हैं जो आपके ख्याल में न्यूट्रिशनल स्टेटस और हाइड्रेशन को इंश्योर कर सकती है। तो बेटे याद रखिएगा, जब कभी भी सॉल्विंग इश्यूज आते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो कि नजर आएंगे एज अ रिजल्ट, उसमें एक हाइड्रेशन का एलिमेंट है और दूसरा है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन रिलेट्स टू द एनर्जी लेवल्स, आपको जो एनर्जी चाहिए डेली फंक्शनिंग के लिए। हाइड्रेशन इज द वाटर, आपका वाटर स्टेटस क्या आपकी बॉडी के अंदर। आर बॉडी इज ऑलमोस्ट वाटर, तो जब वाटर की इनसफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी बॉडीली फंक्शन जो है वो सारे के सारे मुतासर होना शुरू हो जाएंगे। सो इस केस को, जिसको हमने अभी केस को डिस्कस किया, इसमें हमने सिल्विया देखी, इसकी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन देखी, उसकी एज देखी, उसके इंडिकेटर्स देखे कि वो खाना छोड़ देती है, खाना शौक से नहीं खाती है, खांसी करती है, बुखार का एपिसोड हो सकता है। इन चीज़ों के साथ जो SLB है उसने कहा जी कि इसकी तो असेसमेंट कराएं, इसकी तो क्लिनिकल असेसमेंट होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? इसलिए कि वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि इस खातून को फ्रिंजियल डिस्फेजिया है, लिहाजा फ्रिंजियल डिस्फेजिया को डिटरमिन करने के लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का सहारा लेते हैं, और वो इंस्ट्रूमेंट अमूमन हमें रेडियोलॉजी सेक्शन के अंदर मिलते हैं, और वहाँ पर रेडियोलॉजी सेक्शन के प्रोफेशनल्स के साथ हम मिलकर ये रूल आउट करते हैं कि किसी शख्स को किस किस्म का डिस्फेजिया है। क्या ये फ्रिंजियल डिस्फेजिया है, क्या ये ओरल डिस्फेजिया है, या क्या ये इसोफेजियल डिस्फेजिया है। So this example would certainly have given you some light के हम किस तरीके से सोचेंगे अपने आने वाले दिनों में। लीचन, एक और example लीजिए। अब इसके अंदर 43 years old bilingual man है, अब he is not 70, he is only 43। अब इसको भी dysphagia है। कौन सा dysphagia? इसको persistent किस्म का ऐसा dysphagia है जो कि follow किया है, किस वजह से? cancer की वजह से। उसके बकल स्पेसेस में, उसके ओरल कैविटी के अंदर उसको कैंसर हो गया था, और कैंसर के नतीजे में अब वो खा पी नहीं सक रहा। तो ये बात तो समझ आने वाली है, इसलिए कि दांत में भी दर्द हो तब भी आपका खाना पीना मुतासर हो सकता है, जबान के ऊपर छोटा सा सिस्ट बन जाए तब भी आप खाने पीने के अंदर। तो इस शख्स को तो कैंसर था, बकल कैंसर था, ओके, इसको ये प्रॉब्लम है। एज इसकी 43 ईयर्स है, कैंसर तो किसी भी एज में हो सकता था। कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसके पास दो चॉइसेस थी, एक तो वो रेडिएशन करवाता था अपनी, या फिर वो नेक डाइसेक्ट करवानी थी उसने, कि जहां जहां कैंसरस ग्रोथ थी उन कैंसरस ग्रोथ को रिमूव करना था। अब दोनों बड़ी अजीब सी कंडीशन है। लेट अस सपोज रेडिएशन के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, और जो डाइसेक्शन है जिसके अंदर उसकी रिस्पेक्टिव जो खराब वाले सेल्स हैं उनको रिमूव करना, ये दोनों बड़ा मानी रखते हैं एक सर्जरी के लिए। सो फिलहाल उसको फेरेंजियल डिस्फेजिया नजर आता है, एस्पिरेशन होती है। एस्पिरेशन क्या चीज होती है? एस्पिरेशन यानी कि फूड का विंड पाइप की तरफ जाना, एस्पिरेशन। होर्स वॉइस क्वालिटी, जब वो बोलता है उसकी आवाज भारी भारी है। एंड राइट लोअर फेशियल वीकनेस, और उसकी जो फेस की राइट साइड है वो कहता है मुझे ये वीक वीक लगती है, वहां पर वो वीकनेस का कंप्लेन कर रहा है। करंटली रिसीव न्यूट्रिशन थ्रू जी ट्यूब, खाना वो अभी भी खा रहा है लेकिन ओरली खाना नहीं खा रहा, बल्कि किस तरह खा रहा है? जी ट्यूब के साथ खा रहा है। अब एक और इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास कि खाने का एक ऑप्शन जो है, ऑल्टरनेट ऑप्शन, वो जी ट्यूब है। सो जी ट्यूब ऐसी ट्यूब है जो कि डायरेक्टली आपके स्टमक के अंदर आपके फूड को कंटेंट्स को भेज देती है। और बिल्कुल इसी तरीके से एक होती है NG ट्यूब, नेजो गैस्ट्रो ट्यूब। अब वो जो नेजो गैस्ट्रो ट्यूब है वो नाक के जरिए आपके गैस्ट्रिक एरिया तक जाती है, और उसके जरिए फूड को पंप इन किया जाता है, इंजेक्ट किया जाता है, और फूड आपका जो है वो डायरेक्टली आपके स्टमक में चला जाता है। तो जरा सोचो ना, कितने एक्सपीरियंसेस रह गए। च्यूइंग का एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, स्वॉल्विंग का एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, टेस्ट का एक्सपीरियंस खत्म हो जाएगा, बस फूड से आपका पेट जो है वो भर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ जी ट्यूब एंड विद द हेल्प ऑफ एनजी ट्यूब। लेकिन ये जरूरी है, ये जरूरी इसलिए है कि इस केस के ली के केस में वो मुंह में तो कुछ डाल ही नहीं सकता। अगर आप उसको इसी तरह छोड़ देंगे तो नतीजा क्या होगा? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाएगी, हाइड्रेशन के इश्यूज आ जाएंगे, वो तो वैसे ही डिहाइड्रेट होकर बेचारा खतरनाक हाथ पे चला जाएगा। जरूरी ये चीज थी कि उसके स्टमक में इतनी अमाउंट हम जरूर पहुंचा दें किसी भी तरीके से जो कि उसकी बॉडीली नीड्स को मीट कर सके, और इसलिए हमने जी ट्यूब का सहारा लिया। अब अल्टरनेटिव मेथड भी स्लाइड के ऊपर हमें पता चल गया कि खाना अगर ओरली नहीं दिया जा रहा तो किसी और तरीके से भी खाना खाया जा सकता है, नेजो गैस्ट्रिक ट्यूब के जरिए भी, जी ट्यूब के जरिए भी। और जी ट्यूब भी इसी तरीके की एक ट्यूब है जो कि डायरेक्टली आपके स्टमक के साथ
इंसर्ट कर दी जाती है स्टमक के अंदर, डायरेक्टली पंप इन कर दिया जाता है फूड आपका, और स्टमक अपना काम करता रहता है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स जो है वो मीट होती रहती है। सो ये कुछ हमने ली के बारे में बातें देखी। इज ली अ कैंडिडेट फॉर डिस्फेजिया थेरेपी एट दिस टाइम, वाई और वाई नॉट, सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वो डिस्फेजिया थेरेपी के लिए रेडी है या नहीं है। तो उसका जवाब बड़ा सिंपल है कि वो रेडी नहीं है इस टाइम। क्यों नहीं रेडी? इसलिए कि अभी तो उसका कैंसर जो है वो एक्टिव है। जब तक उसकी रेडिएशन खत्म ना हो जाए, जब तक वो जो डायसेक्शन करनी है उससे का हील अप ना हो जाए, तब तक तो हम कोई ओरल उसको चीज दे नहीं सकते। सो इट वॉज ऑल राइट, अगर हम उसकी न्यूट्रिशन जो है दूसरे तरीके से सेटिस्फाई कर रहे थे तो फेयर एनाफ, ओरल के लिए हम बाद में वी कैन वेट फॉर दैट अ व्हाइल। व्हाइल एजुकेशन शुड ही बी प्रोवाइडेड टू ली रिगार्डिंग द सिचुएशन, वो कहता है कि ली को हम क्या एजुकेशन प्रोवाइड करें। एक और चीज आ गई आपके लर्न करने के लिए, डिस्फेजिया की थेरेपी में एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हाउ वेल द पेशेंट अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, हाउ वेल द पेशेंट रिलेट टू द कंडीशन दैट ही और शी इज इन, क्योंकि जितना ज्यादा वो वेल इन्फॉर्म होगा उतना ही अच्छा वो फिर आपको रिस्पॉन्स करेगा जब आप उसकी थेरेपी करेंगे। और अगर उसका वो नॉन एक्सेप्टिंग बिहेवियर है तो हमारी थेरेपी की इफेक्टिवनेस पर फर्क पड़ जाएगा। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको एग्जाम्पल से बताई जा रही हैं, बिकॉज दिस कैन बिकम अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। तो अब हमें ये देखना कि ये दो एग्जाम्पल्स हमने देखी, अब एक 70 इयर्स की थी, 78 इयर्स की, दूसरा ये 43 इयर्स का, यानी कि इसका मतलब है कि ये तो किसी को भी हो सकता है। यस, किसी को भी हो सकता है। याद है आप लोगों को जब हम न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पढ़ रहे थे, तो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन तो किसी को भी हो सकती थी ना, हेड इंजरी हो सकती थी, स्ट्रोक हो सकती थी, अफेजिया हो सकता था, किसी भी तरीके से कोई न्यूरोलॉजिकल डैमेज हो सकता था जिसकी वजह से ये वाली कंडीशन अराइज कर सकती। और मैंने तो उसके ऊपर ऐड कर दी एक और चीज आपके लिए कि मेंटल स्टेट, साइकोलॉजिकल स्टेट बड़ी इंपॉर्टेंट करती है इस फॉलोइंग के इश्यूज के अंदर। जो क्रॉनिकली डिप्रेसिव पेशेंट होते हैं, अमूमन या एंजाइटी के पेशेंट जो होते हैं, उनका खाना पीना की रूटीन डिफरेंट हो जाती है, और ये इस चीज की इंडिकेशन है कि साइकोलॉजिकल वेलबींग का ताल्लुक भी सॉल्विंग और फूड इनटेक के साथ है। देखो हमारे सारे के सारे इवेंट्स जो हैं जिंदगी के, वो खाने पीने से रिलेटेड है। कोई पैदा हुआ है तो खाना है, कोई मर गया है तो खाना है, शादी है तो खाना है, निकाह है तो खाना है, सो एवरी नाउ पार्टी है तो खाना है, वो क्या वेलकम पार्टी हो रही है या फेयरवेल पार्टी हो रही है, खाना है, ईद है, शबरात है, खाना खाना खाना। सो खाना इज ए सोशल एक्टिविटी। सो जस्ट इमेजिन एक शख्स जो कि अच्छे तरीके से खाना नहीं खा सकता, या जो शख्स खाने को इंजॉय नहीं करता, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि वो जो पहली जो चीज़ उसको नजर आएगी वो ये कि वो सोशलाइज नहीं करना, सोशलाइजेशन उसकी कम होती चली जाएगी। तो मैंने क्या करना है शादी में जाके, मैं को खाना खा सकता हूँ? मैंने पार्टी में जाके क्या करना है, मैं कोई वहाँ पे ड्रिंक्स ले सकता हूँ, कोई सूप ले सकता हूँ? नहीं ले सकता। लिहाजा आपने देखा कि इंसान जो है वो खुद ही इस एक विशेष सर्कल का शिकार होता चला जाता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है कि इंसान अपनी वाइटैलिटी को बरकरार रखे, और ये वाइटैलिटी उसी सूरत में बेटे पॉसिबल थी अगर हम उसके न्यूट्रिशनल और डाइटरी जो नीड्स हैं उनको हम साथ साथ मीट करते रहे। एक और एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। नाउ अगेन मार्टिन कोलमैन, 45 इयर्स ओल्ड, डायग्नोस्ड एज ALS, एमायोट्रॉफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, 18 मंथ्स अगो। याद है आपको ALS प्रोग्रेसिव डिजीज थी जो कि इंक्रीज करेगी वक्त के साथ साथ, मसल टोन डैमेज होती चली जाएगी, अनएबल टू वर्क ऑन अ प्यूरी डाइट with thin liquids, has lost 15 pounds in past 2 months, just recovered from severe respiration pneumonia. In char line ko gaur se padh le, bahut zyada information hai aapke liye inke andar. For example, first thing, age uski 45 years, problem identified ALS, kitna arsa ho gaya, 18 mahine ho gaye, kaam nahi kar sakta, on a puri diet, he is on a puri diet, iska matlab hai ki this is a type of a diet. दूसरे लफ्जों में हम ये कहें कि अच्छा डाइट की भी टाइप्स हैं। यस, डाइट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से एक टाइप जो है वो प्यूरी है, समथिंग मैश्ड, हनी की तरह, सेमी लिक्विड की तरह, प्यूरी डाइट। तो ये शख्स जो है, जैसे हम दलिया और खीर वगैरह बनाते हैं, दिस इज अ प्यूरी डाइट, और उसको थिन लिक्विड्स के साथ बहुत ज्यादा उसको थिन किया जाता है। नतीजा क्या निकला? लॉस 15 पाउंड्स। जब कभी भी डिहाइड्रेशन या इसका फर्क होगा न्यूट्रिशन का, तो वेट लॉस तो होना ही है। जस्ट रिकवर्ड फ्रॉम सीवियर रेस्पिरेशन, और रिसेंटली उसको बहुत ज्यादा निमोनिया हो गया था जो कि अभी उसने रिकवर किया। इसका मतलब क्या हुआ?
इसका मतलब ये है कि उसको नमूनिया हुआ था। नमूनिया क्यों होता है? जब आप एस्पायर करते हैं, एस्पिरेशन होती है आपको। एस्पिरेशन मीन्स फूड कॉन्स्टिट्यूएंट, फूड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो चले जाते हैं आपके विंड पाइप के अंदर और वो जाके वहां पर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। आजकल जो कोरोना है, कोरोना को भी एक टाइप ऑफ नमूनिया ही करार दिया, इट्स अ सीवियर फॉर्म ऑफ नमूनिया। होता यह है कि रेस्पिरेशन खराब हो जाती है, सांस नहीं लिया जाता, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अच्छा, तो इस इन चार लाइनों के अंदर हमने दो अपनी वोकैबुलरी में प्योरी डाइट ऐड किया है, एस्पिरेशन ऐड किया है, नमूनिया ऐड किया है, और उसके अलावा हमने वेट लॉस का जिक्र किया है। MBS एक और नया लफ्ज है, MBS शो सीवियर ओरल एंड फेरिंजियल डिस्फेजिया विद एस्पिरेशन। MBS, अब ये MBS क्या चीज है? मॉडिफाइड बेरियम स्वॉलो। ये एक क्लिनिकल टेस्ट है जिसका कि पिछले SLP का हमने जिक्र किया, वो कह रहा था कि इसको क्लिनिक में लेके जाओ, हमने मालूम करना है कि इसको फेरिंजियल डिस्फेजिया है कि नहीं है। ये जो मार्टिन है इसका तो हमने ऑलरेडी कर लिया, इसको फेरिंजियल डिस्फेजिया है। कैसे पता चला? हमने इसका MBS किया था, और वो क्लिनिक में जाके MBS क्या होते हैं और रेडियोलॉजी सेक्शन में क्या किया जाता है, मॉडिफाइड बेरियम स्वॉलो। थोड़ा सा इसको मैं आपको समझा देता हूँ। मॉडिफाइड बेरियम स्वॉलो क्या चीज़ है कि आपको कुछ खाने या पीने के लिए दिया जाएगा, उसके ऊपर वो बेरियम कोटेड होगा, बेरियम सल्फेट का पाउडर होता है, वो उस चीज़ के ऊपर बिस्किट के ऊपर लगा देते हैं पूरा का पूरा, या आपके लिक्विड के अंदर बेरियम ऐड कर देते हैं। सो वो बेरियम क्यों ऐड की जाती है? इसलिए कि बेरियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। सो जैसे जैसे फूड आपका नीचे जाता है, हम आपके एक्सरसाइज लेते जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली एक्सरसाइज चलते रहते हैं, तो आपके फूड का जो बिहेवियर है वो आपकी फूड पाइप में नजर आता रहता है। तो आपकी जिस जगह पे फूड स्टक होगा वहां पर बेरियम जाहिर होना शुरू हो जाएगा। तो जहां जहां फूड खड़ा हुआ वो चीज नजर आ जाती है, वो जगह नजर आ जाती है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और बड़े मजे की चीज है इस स्लाइड के ऊपर, मार्टिन एंड हिज फैमिली नाउ नीड टू डिसाइड वेदर और नॉट टू रिजॉर्ट टू फैमिली टू फीडिंग ट्यूब एंड वांट टू कंसल्ट देयर प्रीस्ट टू मेक श्योर डिसीजन इज कीपिंग विद देयर रिलीजियस बिलीव्स। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। मार्टिन की फैमिली को ये भी कंसर्न है कि अगर हमने इसके नाक में ट्यूब डाल दी, फीडिंग ट्यूब इसको लगा दी, कोई गैर इखलाकी फेल तो नहीं हो जाएगा, क्या हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता? वो अपने पादरी के पास चले गए उससे पूछने के लिए कि हमारे रिलीजियस बिलीफ के मुताबिक फीडिंग ट्यूब का क्या एक इशू है। तो आपने याद रखना है कि ये भी हो सकता है। आई नो क्वाइट अ फ्यू पीपल जो कि फीडिंग ट्यूब कहते हैं इस तो चंगा तो बंदे नूं मौत आ जाए, अल्लाह ने देना है तो मुँह से ही हम खाना खाएंगे, नहीं तो फिर हम खाना नहीं खाएंगे। तो ये साइकोलॉजिकल रीजनिंग कर सकता है पेशेंट आपके साथ। तो बाज़ोकात एक काउंसलर को एक फैमिली काउंसलिंग करनी पड़ती है जिसमें उनको बताया जाता है कि दिस इज एन अल्टरनेट वे ऑफ फूड इनटेक और इसकी लाइफ बेहतर हो जाएगी, इसकी सेहत बेहतर होने के चांसेस है, अगर नहीं करेंगे तो ही विल फेड अवे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन है जो कि मार्टिन के केस में देखो उन्होंने किया। SLP जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है टू दिस क्लाइंट एंड हिज फैमिली इन मेकिंग द डिसीजन। SLP का क्या रोल हो सकता है ये फैसला करने में कि वो ये ट्यूब लगवाएंगे या ना लगवाएंगे? SLP के मल्टीपल रोल्स हैं भाई, ही इज अ वंडरफुल काउंसलर, लोगों को डिसीजन मेकिंग के अंदर हेल्प कर सकते हैं, उसकी प्लेसमेंट में हेल्प कर सकते हैं, रीजनिंग कर सकते हैं, और किस किस्म का सपोर्ट सिस्टम जो है फैमिली को चाहिए हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। सो लॉट्स ऑफ आपको याद होगा इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम जैसे कि हमने एजुकेशन सिस्टम के अंदर पढ़ा था, हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर सोशल वर्कर्स हैं, करियर वाले लोग हैं, हमारे पास ट्रेनिंग स्किल ट्रेनिंग वाले लोग मौजूद हैं जो कि ये सारी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, वोकेशनल थेरेपिस्ट हैं, जो सारी चीज़ें उसको हेल्प आउट करते हैं। तो इस फैमिली को इन तमाम लोगों के साथ काउंसिल करने की ज़रूरत होगी। सो मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूँ इस स्लाइड के ऊपर, और मैं इमेजिन करता हूँ कि ये जो मैंने आपको दो तीन केस हिस्ट्रीज जो शेयर की हैं, आप इस काबिल ज़रूर हो गए होंगे टू आइडेंटिफाई कि हम क्या करने जा रहे हैं, आगे हमने क्या पढ़ना है। आपका एक इंटरेस्ट लेवल डेवलप हुआ होगा, आपको कुछ थोड़ी सी हिंट्स नज़र आए होंगे कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, या आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिवेलप हुआ होगा। सो आई होप यू विल हैव
a wonderful insight about these things, or let's all join again to continue with our lecture.